Hi everyone, this is our next class of bioinorganic chemistry. In the previous class, we have discussed about the important metal ions or the essential metal ions required in our body. तो हमने पहली क्लास में बहुत सारे मेटल आयंस के बारे में जान लिया था, जो कौन से मेटल आयंस का क्या फंक्शन होता है वो सब हमने कम से कम देख लिया था कि क्या हो सकता है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो है पोरफायरिंग रिंग्स के बारे में, हमको थोड़ा जानना पड़ेगा उसका कंसेप्ट। उसका अगर एक बेसिक कंसेप्ट हमारा हो जाए तो उसके बाद हम हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ये सब रिंग्स डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे पहले दो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, आप लोग ये ट्राई करके देखिए, अगर इसका आंसर आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो इनका आंसर्स मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग जाकर वो वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा पोरफायरिन रिंग्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोरफायरिन रिंग्स। पोरफायरिन रिंग्स होते क्या है, हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं आगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, क्लोरोफिल, इन सब स्ट्रक्चर्स में पोरफायरिन रिंग्स का एक एक्टिव रोल रहता है। तो उस पोरफायरिन रिंग को जानने के लिए हम ये क्लास करने वाले हैं। तो हमने हमारे पहले क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज मेटलोपोरफायरिन। इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास एक पोरफायरिन रिंग्स के बारे में कॉन्सेप्ट होना जरूरी होता है। तो ये मेटलोपोरफायरिन रिंग्स के अंदर बेसिकली होता है, एक मेटल प्रेजेंट होता है और एक पोरफायरिन रिंग होता है। इस पोरफायरिन रिंग वो चीज़ क्या है, वो है बेसिकली अ डेरिवेटिव ऑफ पोरफायरिन रिंग। मैंने क्या बोला, पोरफायरिन रिंग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ पोरफायरिन रिंग्स। इसका मतलब यह है कि ये पोरफायरिन रिंग जो है, पोरफायरिन रिंग एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। उस सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हम ऐड कर देते हैं तो हमें जो मिलेगा वो होगा पोरफायरिन रिंग। तो इस सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को ही हमको जानना ज़रूरी होता है। अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास हो तो वो ठीक है, हम इन रिंग्स के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस करेंगे। बायो इनऑर्गेनिक में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको जानना पड़ता है, पर उसके बारे में हमको ज़्यादातर चीज़ें हमको रट्टा लगाना पड़ता है। बहुत चीज़ें हैं जो कि याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो हम जितना कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को शॉर्ट में रखें और आपके लिए सिंप्लीफाइड मैनर में रखें, ठीक है। तो हम अभी हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमने चार पायरोल रिंग ड्रॉ किया हुआ है। इन चार पायरोल रिंग्स विल बी कनेक्टेड विद अ मिथिलीडीन यूनिट। ये पूरा हमारा रिंग स्ट्रक्चर है। अभी इसमें कॉन्जुगेशन होगा, तो हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को एक अलग कलर में दिखा रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, ये यहाँ पर होगा एक, और हम हाइड्रोजन्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक अलग कलर से करते हैं। इसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट सब जान लेंगे, क्यों हमने अलग कलर से इन लोगों को मार्क किया है। तो हम अगर देखें तो हमने इन जो पोजीशंस को मार्क किया हो, जो ग्रीन कलर से है, उन सर ग्रीन कलर के कितने हाइड्रोजन हमने लिखे हैं, तो हमने ग्रीन कलर के 8 हाइड्रोजन लिखे हैं। तो 8 हाइड्रोजन्स, ये जो ग्रीन कलर के हाइड्रोजन्स हैं, इन पोजीशंस को हम कहते हैं बीटा पोजीशंस और बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है। और जो हमने रेड कलर से लिखे, रेड कलर से किन लोगों को लिखा है, 1, 2, 3 एंड 4, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन है जो हमने रेड कलर से मार्क किए हैं। ये जो पोजीशन होता है ये बेसिकली है मिथिलीडीन यूनिट्स, ओके। तो मिथिलीडीन यूनिट्स क्या है, मिथिलीडीन यूनिट्स आर CH यूनिट्स, ओके। तो इन पोजीशंस को हम कहते हैं मेसो पोजीशन। और हमारे पास दो हाइड्रोजन है जो कि NH हाइड्रोजन है, 2 NH हाइड्रोजन्स। तो अभी हमने देख लिया, हमारे पास 8 बीटा हाइड्रोजन है, 4 मेसो हाइड्रोजन्स है एंड 2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट इस पोरफायरिन रिंग के बारे में एक सिंप्लीफाइड जो स्ट्रक्चर है उसका कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो पोरफायरिन रिंग्स के बारे में है। ये पोरफायरिन रिंग्स में हम लोग देख सकते हैं कि 4 पायरोल रिंग्स है, दैट इज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, 1, 2, 3 एंड 4। तो फिर हमारे पास क्या है, 4 पायरोल रिंग्स है,
जो कि कनेक्टेड है मिथिलेडिन यूनिट्स के द्वारा। मिथिलेडिन यूनिट्स कौन है? ये 1, 2, 3 एंड 4। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्म कर रहा है। अगर हम देख सकते हैं ये जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग है ये प्लानर है एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहाँ पर हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देख सकते हैं। इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। और ये जो हमने बोला कि ये एक स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है, इसके जो एक्सियल पोजिशंस होंगे वो वैकेंट होते हैं। एक्सियल पोजिशंस वैकेंट होते हैं वहाँ पर। अगर जब हम मेटल प्रोफाइलिंग्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो वैकेंट तो होते हैं, हम अगर स्ट्रक्चर को देखें पर उसके वो जगह ऑक्यूपाइड होंगे किसके द्वारा? प्रोटीन चेन्स होंगे या फिर कोई लिगेंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, पानी हो सकता है यानी कि वाटर हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। तो फिर हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देख सकते हैं देखें तो ये है एक्सियल पोजिशंस आर वैकेंट एंड ऑक्यूपाई बाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा इन मेटलो पोरफायरिन। ओके, तो हम जब मेटलो पोरफायरिन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक्सियल पोजीशंस पर कैसे ये लोग अटैच होते हैं, बॉन्डिंग किस तरीके की होती है, तब हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने ये रिंग स्ट्रक्चर देख लिया कि ये प्लानर होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। अभी हमको एक और मेजर थिंग जानना पड़ेगा कि ये क्या ये रिंग एरोमेटिक है या फिर नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देयर आर 11 डबल बॉन्ड्स और 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम लिखे टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड दैट विल बी इक्वल टू 11। देयरफॉर अगर टोटल नंबर ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो क्या होगा, 11 × 2 = 22। तो हम अगर हमको देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम एरोमेटिक है कि नहीं तो हम क्या करेंगे, 4n + 2 = 22 करके देखते हैं। n = हमारे पास आएगा 5। ये एक इंटीजर वैल्यू होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये पोरफिन रिंग होता है वो एरोमेटिक होते हैं। पहले ही हमने देख लिया था कि ये रिंग प्लानर होता है, इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अभी हमने देख लिया कि रिंग एरोमेटिक भी होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम एक साथ कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिंग बहुत रिजिड होता है। इस रिजिड वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये हम कैविटी देख सकते हैं, इस कैविटी का जो साइज होगा उसी साइज का अगर कोई मेटल आयन अगर प्रेजेंट होगा तो वो ही इस कैविटी को ऑक्यूपाई कर पाएगा। उससे बड़ा अगर उससे छोटा कोई मेटल आयन होता है तो फिर वो मेटल आयन इस जगह पर फिट नहीं बैठेगा। और ये पोरफिन रिंग कभी अपना एरोमेटिक सिस्टम को कभी डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहेगा, कभी अपनी प्लेनरिटी को भी डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहेगा। तो हमारे पास इस कैविटी का जो साइज होता है उसी साइज के हिसाब से जो भी हमको मेटल आयन मिलेगा वही इस कैविटी के अंदर रह सकता है। उससे बड़ा अगर कुछ होगा तो वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रहेगा, वो प्लेन के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमने पोरफिन रिंग के बारे में जान लिया है। अभी हम एक और पॉइंट जानना बाकी है जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पोरफिन रिंग्स दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों फॉर्म का मतलब एक फॉर्म हो सकता है डाइएनायन फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इज डाइकैटायन फॉर्म। अब ये डाइएनायन और डाइकैटायन फॉर्म कैसे बनता है, तो ये जो दो फॉर्म्स होते हैं डाइकैटायन एंड डाइएनायन वो बनते कैसे हैं। पहले हम जानते हैं डाइकैटायन के बारे में, डाइकैटायन फॉर्म, एंड नेक्स्ट हम जानेंगे डाइएनायन फॉर्म के बारे में। ओके, तो डाइकैटायन फॉर्म बनने के लिए कैटायन से हमको पता चल रहा है ये जो लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं नाइट्रोजन के पास, ये दो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से दो एच प्लस एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ये दो एच प्लस एक्सेप्ट करने से जो फॉर्म बनता है वो होता है डाइकैटायन फॉर्म। और डाइएनायन फॉर्म, ये जो इन नाइट्रोजन के पास जो अदर दो नाइट्रोजन होते हैं उनके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं सिस्टम से, दैट इज 2H+ रिमूव्ड। ओके, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस टू हाइड्रोजन्स द सिस्टम इज नाउ डाई इन डाइएनायन फॉर्म।
तो ये जो डाई एनायन और ये डाइकेटन फॉर्म बनने के लिए जरूरत बनने का जरूरत क्या था, तो अभी हम जो स्ट्रक्चर पर है वो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। जब भी हम जानने वाले हैं कि मेटलोपोरफाइरिन, इन मेटलोपोरफाइरिन के लिए जो मेटल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ये जो हमने कैविटी की बात की थी ना, तो उस कैविटी के अंदर जो मेटल को जब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा तभी ये जो पोरफिन रिंग है वो ये एक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो उसको लिगेंड बनने के लिए उसके डायनर फॉर्म में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तो जब हम ये मेटलोपोरफाइरिन रिंग कहेंगे, मेटल को बेसिकली मेटल होगा इन पॉजिटिव चार्ज एंड जो पोरफाइरिन रिंग होगा वो होगा इन नेगेटिव चार्ज, दैट इज इन डाई एनायन फॉर्म। ठीक है, तो अभी अगर हम एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ मेटलोपोरफाइरिन रिंग ड्रॉ करें तो वो कैसे होगा, तो एक लाइन आप लोग लिख लीजिए कि पोरफिन रिंग पोरफाइरिन रिंग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ पोरफिन रिंग। ठीक है, तो अभी हम जो जानने वाले हैं वो है पोरफाइरिन रिंग, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम जानने वाले हैं पोरफाइरिन रिंग के बारे में। पहले हम इस रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पोरफाइरिन रिंग। इस पोरफाइरिन रिंग के अंदर जो कि प्रेजेंट है डाई एनायन फॉर्म में, ठीक है, तो इसके अंदर जो मेटल आयन प्रेजेंट होगा तो मेटल आयन को कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है, हमें अगर इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हमारे सिस्टम से निकल चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन होगा, ये नेगेटिव साइन होगा, इसके इन दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करेंगे इस मेटल आयन को और ये कोऑर्डिनेट करेंगे अपने नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, तो ऐसे जो ये ऐसे हमारा बनता है जो कि है मेटलोपोरफाइरिन रिंग। ये एक बेसिकली प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इस मेटल आयन के प्रेजेंट होने के बाद भी हम इसको प्लेनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मेटल आयन उसी मेटल आयन को वो इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि इस कैविटी के साइज का होता है। उससे बड़ा अगर उससे बड़ा इसका मेटल आयन का साइज होगा तो वो अबव द प्लेन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम अगर देखें तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। इसके एक्सियल पोजिशन कौन से होंगे, ये दोनों होंगे इसके एक्सियल पोजीशंस। जब हम हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन साइटोक्रोम्स एक्सेट्रा जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इस जो स्ट्रक्चर का जो एक्सियल दो एक्सियल पोजीशंस होते हैं उसके उसमें से एक साइड पर प्रोटीन चेन प्रेजेंट होता है एंड अदर साइड पर आइदर ऑक्सीजन या फिर वाटर मॉलिक्यूल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने हमारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको मिल गया है पोरफाइरिन रिंग के बारे में। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेटलोपोरफाइरिन होते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन साइटोक्रोम्स हीमोसाइनिन एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।